नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पुराने प्रिंटर के माध्यम से बताएंगे कि कैसे डेटा केबल और पावर केबल पीसी के साथ जोड़ा जाता है, यानी पीसी के साथ प्रिंटर को कैसे जोड़ा जाता है, वही इस वीडियो में बताने वाला है। आप जो दिखाई दे रहा है डेटा केबल, ये वाला हिस्सा कंप्यूटर के फ्रंट पैनल में लगा रहता है और दूसरी वक्त ये प्रिंटर के साथ जुड़ा रहता है। और आपको ये दिखाई दे रहा है पावर केबल प्रिंटर के साथ जुड़ा रहता है और ये मेन बोर्ड पर रहता है। आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आप समझ पाए कि कैसे पीसी के साथ प्रिंटर को जोड़ा जाता है। ये है बैक पैनल प्रिंटर के, तो ये ध्यान से देखिए, ये बैक पैनल में जो दो पोर्ट है वो आप ध्यान से देखिए। तो ऊपर वाला है डेटा केबल का और ये पावर केबल का, यहीं पर पावर हो जाता है और यहाँ पर डेटा यानी प्रिंटर का हार्ड कॉपी का जो डेटा केबल है इसे जुड़ा रहता है। तो ये पावर केबल, पावर केबल सबसे पहले जो आपका सामने दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ से कनेक्ट करना है। ठीक से आप कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा हिस्सा आप मेन बोर्ड पर लगा दीजिए, ठीक है। ये है मेन बोर्ड मेरा, तो ये पर लगा दीजिए। और ये डेटा केबल, ध्यान से देखिए इस डेटा केबल को, इस डेटा केबल को आपको यहीं पर कनेक्ट करना है। इस डेटा केबल का इस वाला हिस्सा यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक से कनेक्ट करने के बाद ये दूसरे वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूएसबी केबल में आता है, ये यूएसबी केबल में आता है, इसीलिए ये आपको कंप्यूटर के जो फ्रंट पैनल में यूएसबी पोर्ट रहता है वहाँ पर आप ठीक से कनेक्ट कर लीजिए। ये कंप्यूटर के फ्रंट पैनल, यहाँ पर यूएसबी पोर्ट पर आप लगा लीजिए, ठीक है। किसी चीज़ को चलाने के लिए उसको ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो प्रिंटर को चलाने के लिए आपको प्रिंटर के ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो आपको वो डाउनलोड कर लेना है क्रोम ब्राउज़र से। तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप वहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद वहाँ पर लिखिए इप्सन L3110 ड्राइवर डाउनलोड। आप किसी भी प्रिंटर का डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो लिखाई दे रहा है इप्सन L3110 ड्राइवर, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। इप्सन का कोई भी मॉडल हो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आ जाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिए। तो डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, वहाँ पर आ जाए। तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, सबसे ऊपर वाले हिस्से को आप डाउनलोड कीजिए। इप्सन जो प्रिंटर ड्राइवर है वहाँ पर आप डाउनलोड कीजिए। तो देखिए वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो आपको एक्सेप्ट करने के बाद ही वो डाउनलोड होगा, नहीं तो वो डाउनलोड नहीं होगा। तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट करने के बाद ही जो डाउनलोड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अब मेरा जो ड्राइवर वो डाउनलोड हो रहा है, तो होने दीजिए। ड्राइवर डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ इसे चेक करने के लिए आप 3 डॉट पर जाइए और डाउनलोड ऑप्शन पर जाइए, तो आपको दिखाई देगा ये प्रिंटर ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसे ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो फाइल है फाइल में जाते हैं, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। आने के बाद देखिए सबसे ऊपर वाले जो हिस्सा है वहाँ पर क्लिक कीजिए, तो आपको दिखाई देगा जो मेरा है वो डाउनलोड हो चुका है। तो ये दो पार्ट है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। तो आपका यदि 64 बिट का है तो आप 64 बिट का डाउनलोड कीजिए, 32 बिट का है तो 32 बिट का आप इंस्टॉल कीजिए। आपका जो कंप्यूटर का विंडोज़ है वो आपका बिट हिसाब से आता है, तो आप वहाँ पर जो 32 या 64 है तो उस हिसाब से आप इंस्टॉल कर लीजिए।
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का, ये चेक करने के लिए आपको इस पीसी में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको राइट क्लिक करते ही पता चल जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बिट में आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको।